हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 3 ऑफ योर ज्योग्राफी बुक एंड चैप्टर नेम इज मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट व्हाट आर मिनरल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, व्हाट इज एन ओर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट। फर्स्ट इज एशिया। एशिया हैज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन, टिन, लेड, एंटीमोनी, टंगस्टन, निकल, जिंक एंड कॉपर्स। दीज मिनरल्स आर फाउंड इन एशिया कॉन्टिनेंट्स। सेकेंड इज यूरोप। इन यूरोप आयरन, कॉपर, लेड, जिंक, मैगनीज एंड निकल मिनरल्स आर फाउंड। थर्ड इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हैज डिपॉजिट ऑफ कोल, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड यूरेनियम आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका। इन साउथ अमेरिका मेन मिनरल्स आर आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैगनीज, बॉक्साइड, मिका, प्लेटिनम, डायमंड एंड मिनरल्स वेयर आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। नेक्स्ट इज अफ्रीका। इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड लाइक डायमंड, गोल्ड, कॉपर, आयरन, बॉक्साइड, मिनरल ऑयल एंड प्लेटिनम। इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट गोल्ड, डायमंड, आयरन, टिन, कॉपर एंड लेड आर फाउंड। इन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट गोल्ड, सिल्वर, कोल, आयरन एंड मिनरल्स ऑयल आर फाउंड। Here you can see coal and oil field of in world. Coal are mostly found in Asia. It is found in China and India. In Europe, it is found in Russia, Sweden and Ukraine. In North America, coal is mostly found in area of Great Lake, that is situated into Canada and USA. In South America, coal is mostly found in Brazil. Here you can see coal field of Africa. In Australia, here you can see coal mines. Natural oils are found in मोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रेट लेक एरिया है, जो एल्बेशियन एरिया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स ऑयल मिलता है। इट इज़ फाउंड ऑल्सो इन साउथ अमेरिका। इट इज़ फाउंड इन यूरोप ऑल्सो। हियर यू कैन सी इन चाइना मिनरल ऑयल इज ऑल्सो फाउंड। हियर यू कैन सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। Iron ore is mostly found in, here you can see in Asia, iron is found in China and in India. It is in Europe, it is found in Russia, Ukraine and Sweden. In Africa is also iron ore found. North America, it is found in a region of Great Lakes. In South America, iron is mostly found in Brazil. It is also found in Australia. Here you can see deposition of different minerals. Distribution of mineral in India. First is iron. In India, iron is found in Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Goa, Karnataka and Maharashtra. Bauxite is found in India in Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra and Madhya Pradesh and Odisha state. Mica is found in India, Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh and Rajasthan. Copper is mostly found in India, Rajasthan, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. Manganese in India mostly found in Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Karnataka and Andhra Pradesh. Next is limestone. Limestone
mostly found in Bihar, Odisha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Gujarat and Tamil Nadu. Gold in India, Karnataka's Kolar mine is famous for gold mining. Yeah, you can say in India gold is found only in Karnataka Kolar mine. Salt, it is obtained from sea, lake and rocks. कि जो साल्ट है वो हमें सी लेक्स और रॉक से मिलता है. स्टेट यूजेज ऑफ मिनरल्स कि हाउ कैन वी यूज द मिनरल्स. मिनरल्स आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज. वी कैन से मिनरल्स आर द बैकबोन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री बिकॉज इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मोस्ट ऑफ द मशीनरी आर मेड बाई मिनरल्स. मिनरल्स दैट आर यूजली हार्ड आर यूज एज जेम्स टू मेकिंग ज्वेलरी. की कुछ ऐसे मिनरल्स जो जैसे हार्ड होते हैं फॉर एग्जाम्पल जेम्स जैसे गोल्ड हो गया डायमंड हो गया उनको हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं. मिनरल्स लाइक कॉपर आर यूज इन मेकिंग पाइप्स कॉइन एंड वायर्स. सिलिकॉन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री. कि जो सिलिकॉन होता है तो हम जो भी उसमें कंप्यूटर चिप वगैरह होती है डेट इज मेड बाई सिलिकॉन. एल्यूमिनियम विच गेट फ्रॉम बॉक्साइड इज यूज इन ऑटोमोबाइल एंड एरोप्लेन्स बोटल इंडस्ट्री एंड किचन कुकवेयर्स. कि हाँ घरों में जो भी हम यूटेंसिल यूज करते हैं वो मोस्टली एल्यूमिनियम से ही बने होते हैं. इसके अलावा भी जो एल्यूमिनियम उसको एरोप्लेन की बॉडी बनाने के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑटोमोबाइल्स जो इंडस्ट्री है उसमें उसका यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज हाउ वी कंजर्व द मिनरल्स. Through this process we can conserve the minerals. First is reuse, recycle and reduce. Reuse means कि जो भी हम minerals use करते हैं उनको हमें फिर से use उनको फिर से recycle करके हम उनको फिर से reuse कर सकते हैं. For example कोई भी minerals है जैसे for example iron ore से हमने कुछ भी बनाया कुछ भी जैसे for example टेबल चेयर कुछ भी बनाया उसका यूज करते हैं तो अगर उसके बाद उसका यूज नहीं हो रहा तो उसको क्या कर सकते हैं उसको फिर से रिसाइकिल करके उसको उससे फिर कुछ न्यू थिंग बना के उसको यूज कर सकते हैं. यानी कि कोई भी मेटल उसको हम दोबारा से अगर रीयूज करेंगे तो उससे भी मिनरल्स का कंजर्वेशन होता है. नेक्स्ट इज रिसाइकिल की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं उनको हम फिर से उनका फॉर्म चेंज करके उनको रिसाइकिल करके रीयूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिड्यूज कि जो कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि रिन्यू नहीं कर सकते उनको तो हमें उनका अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए. यूज ऑफ अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी हाइड्रोथर्मल एनर्जी विंड एनर्जी. कि कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं कि जिनको हम जल्दी ही जिनको रिन्यू नहीं कर सकते तो उनकी जगह हमें उनके अल्टरनेट एग्जांपल फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इनको यूज करना चाहिए क्योंकि इनको हम रिन्यू कर सकते हैं. वर्किंग ऑन द पथ दैट लेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि इस तरह की जो भी रिसोर्सेज है उनका इस तरह यूज करके किया जाए कि वो नॉट ओनली कि प्रेजेंट के लिए यूज हो बट आल्सो वी कैन सेव देम फ्रॉम फ्यूचर. तो उनका हमें ढंग से यूज करना चाहिए. यूजिंग द मिनरल्स रिसोर्स विद ए ग्रेटर एफिशिएंसी. यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मीन्स कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज करना चाहिए बजाय नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का. अवॉइड ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज. यूज ऑफ बायोगैस एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग इंस्टेड ऑफ द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. रीयूज एंड रिसाइकिल द मिनरल्स एंड देयर प्रोडक्ट. यूजिंग मिनरल्स ने प्लान वे मीन्स कि जो भी मिनरल्स हैं हमको उनको पूरी तरह प्लान वे में यूज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कि उनकी जो लिमिट है कि उनको उससे ज़्यादा उनको हमें एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए यानी कि उनको एक्सप्लोइट नहीं करना चाहिए और उनको रिन्यू होने के लिए हमें टाइम देना चाहिए. नाउ आवर टुडे टॉपिक इज कंप्लीट. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेज. थैंक यू.